हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जैसा कि पहले हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस क्या होते हैं ये सब भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसी प्रकार इस चैप्टर में हम डी एंड एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं ये सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चलिए अब हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स टॉपिक में हम जो जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है पोजिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में और जनरल प्रॉपर्टीज को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है जनरल प्रॉपर्टीज पार्ट वन जिसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनके आयनिक साइज आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ के पार्ट टू में हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की ट्रेंड्स देखेंगे तथा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे और जनरल प्रॉपर्टीज़ के तीसरे पार्ट में हम फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और का फॉर्मेशन पढ़ेंगे इसके साथ साथ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ कैटेटिक प्रॉपर्टी करेंगे इस वीडियो में हम की में क्या पोजिशन है और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट अंडरस्टैंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है किसी मेटल की न्यूट्रल स्टेट में या आयनिक स्टेट में अगर इनकम्प्लीट डी सबसेल्स प्रजेंट हों तो उन मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं यानी अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी भी मेटल की न्यूट्रल या आयनिक स्टेट में अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर हमें अगर डी सब सेल का ऑर्बिटल इनकम्प्लीट प्राप्त होता है तो उन मेटल्स को हम ट्रांजिशंस मेटल बोलते हैं यह पेरियडिक टेबल आप देख सकते हैं इस पेरिडिक टेबल को चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है एस ब्लॉक डी ब्लॉक पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक इस पीरियडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच जो ब्लॉक स्थित है उसे डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं डी ब्लॉक में टोटल चार रॉ या फिर पीरियड्स उपस्थित होते हैं पहली रॉ को हम थ्री सीरीज कहते हैं क्योंकि इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन थ्री सबसेल के ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है ऐसे ही दूसरी रॉ को फोर सीरीज कहते हैं वे तीसरी रॉ को फाइव सीरीज और चौथी रॉ को सिक्स सीरीज कहते हैं अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है एन माइनस वन डी वन टू टेन और एन एस जीरो टू टू यानी एन माइनस वन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी करती है जीरो से लेकर दस तक और एस में जीरो से लेकर दो तक और एस ऑर्बिटल की सेल एक यूनिट ज्यादा होती है डी ऑर्बिटल की सेल से यहां थ्री सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है यदि हम थ्री सीरीज के पहले एलिमेंट से शुरुआत करते हैं तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फोरस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दो है और थ्री में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक है लास्ट इलेक्ट्रॉन थ्री डी सबसेल की ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो थ्री में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ती जाती है जब तक थ्री ऑर्बिटल कंप्लीटली ना भर जाए क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या केवल पांच होती है और हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दस इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं लेकिन यहां पर इसके आधे मतलब केवल पांच इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं इसीलिए डी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं इसीलिए यह है आफवाओ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन भी है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एक फुल फिल्ड कॉन्फिगुरेशन है यानी डी ऑर्बिटल में दस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम लिमिट होती है यह भी आफबाउ प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है क्योंकि एस ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है जबकि दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे अगर हम जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एक नजर डालें तो इसके एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल में दस इलेक्ट्रॉन हैं जो कि दोनों ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हैं अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करें तो हमें मिलता है कि उन उनके अंदर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहना चाहिए चाहे उसकी स्टेट न्यूट्रल स्टेट हो या आयनिक स्टेट हो जबकि जिंक अपनी न्यूट्रल स्टेट और आयनिक स्टेट में डी ऑर्बिटल में दस इलेक्ट्रॉन ही रखता है इसीलिए यह डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है लेकिन ये पीरिडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में ही दिया हुआ है इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ साथ हम इसकी भी स्टडी करते हैं